हाय एवरीवन, माय नेम इज़ इमरान नादिर। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल और बहुत सारे लोग मुझसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सवाल पूछ रहे होते हैं। उनकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं या किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने सोचा कि एक क्यों ना वीडियो सीरीज शुरू की जाए जिसका नाम आस्क इमरान रखा जाए। और इस वीडियो सीरीज के अंदर आपके सवाल और मेरे जवाब, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली। तो आपका कोई भी सवाल है, यू कैन ऑलवेज कॉमेंट और रीच आउट टू मी ऑन योर फेवरेट सोशल मीडिया, चाहे वो लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई और, जो भी आपको ईजी लगे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आई रिप्लाई टू एवरी वन एंड आई विल कवर इन डिटेल्स जो भी आपके सवालात या फिर कन्फ्यूजन्स होंगे। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, हाउ टू गेट इंटर्नशिप फॉर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, उसको कंप्लीट फिल करें, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और आपका वर्क, आपका एजुकेशन, आपने कौन सी सर्टिफिकेशंस किए हैं, एवरीथिंग। उसके बाद आपने सिंपली लिस्ट डाउन करनी है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो आपके सराउंडिंग्स में हैं। लेट्स से अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद में या इवन कराची में, या कराची के अंदर आप जौहर में रहते हैं, तो जौहर के सराउंडिंग में जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाएं। उसके बाद आप क्या करें कि सिंपली उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां पर उनका एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, आप उनको कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू रीच आउट करें, एक चीज़। दूसरा, जितने भी उनके CEOs या मैनेजर्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, उनको रीच आउट करें विया लिंक्डइन। सबसे पहले उनको एक साथ कनेक्ट करें और उसी, जब आप कनेक्ट करते हैं तो एक नोट का ऑप्शन होता है, उसी नोट के अंदर आप लिखें कि यू आर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल और यू आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड यू आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप। तो कोई उन, लेट्स से अगर आप 30 या 50 लिस्ट डाउन करते हैं और आप 50 मैसेजेस करते हैं, तो 50 में से आप 3 या 5 आपको रिप्लाई ईजिली आ सकते हैं। उसके बाद आप उनको रीच आउट करें और डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू करें। जब भी आप इंटर्नशिप पे जाएं, सिंपली ये इस चीज़ का वेट ना करें कि कोई आपको कोई काम देगा तो फिर आप कोई काम करेंगे, वरना आप बैठे होंगे और आपको बस 2 महीने गुजारने हैं, ऐसा नहीं है। आपने वहाँ जाना है और काम करना है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर, जो भी आपके सीनियर लेवल के होंगे, आप उनसे सवाल पूछें, आप उनका एक्सपीरियंस पूछें, आप उन्हें कहें कि ये वाला काम मैं कर सकता हूँ, मुझे दे दें ये, मैं काम मैं आपको करके दे दूँगा। तो थिंग्स लाइक दैट एंड यू विल गेट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप क्या होना चाहिए। वैसे तो मैंने डिटेल्ड ब्लॉग लिखा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप 2023 फॉर बिगनर्स, जिसके अंदर आप सबसे पहले बेसिक्स सीखते हैं मार्केटिंग के, कि मार्केटिंग के होती क्या है, किस तरीके से होती है, उसके पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह की मार्केटिंग होती है, एक ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग होती है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा पेड। फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर 4 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और पेड मार्केटिंग के अंदर जो मेजर चीज़ें हैं वो 2 ही आ गई। उसके बाद आपको बेसिक्स पता होने चाहिए दोनों के लिए, बेसिक्स। आपका एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू लर्न बेसिक्स। और आपको सिर्फ, लेट्स से अगर आप SEO सीख रहे हैं तो अगर आपको वर्डप्रेस का पता है तो आप इजीली पोस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर मेटा टाइटल्स और ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अगर, लेट्स से अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लैंडिंग पेज बनता है, या अगर पूरा लैंडिंग पेज नहीं भी बनाना आता तो आपको चेंजेस करना आनी चाहिए। उसके बाद जब आप ये कर लेते हो तो उसके बाद SEO सीखें बेसिक, जितना भी SEO है, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज SEO, टेक्निकल SEO, लोकल SEO, ऑफ पेज SEO, ये सारी चीज़ें आप साइड बाय साइड आप सीख सकते हैं। और इसके बाद जब आप ये दोनों सीख लें तो उसके बाद आपको थोड़ा सा फाइवर सीख के और फाइवर के ऊपर अकाउंट बना लें, अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दें। कैनवा सीखें थोड़ा बहुत बेसिक, आपके अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए, या फिर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता भी है तो उसके लिए कोई डिज़ाइन बनाया है कुछ भी, तो ब्रांडिंग के लिए थोड़ा बहुत कैनवा आना चाहिए। कैनवा के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग इज़ द की टू डिजिटल मार्केटिंग। आपको कंटेंट राइटिंग या कंटेंट समझना चाहिए, चाहे वो राइटिंग हो या फिर वीडियोस वाला हो, जो भी हो, वो आपको आना चाहिए कि किस तरीके से अच्छा कंटेंट लिखा जाता है या कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि एंगेजिंग होता है। लेट्स से अगर आप SEO सीख रहे हैं और आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती तो ऑब्वियसली उसका क्या फ़ायदा, सही है। तो आपको उसके अंदर कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग लिखते हैं फिर, या फिर आप वीडियो की SEO करते हैं, इस तरीके से कंटेंट राइटिंग भी इंपॉर्टेंट। इवन अगर आप गूगल एड्स या फेसबुक एड्स सीख रहे हैं तो अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो इसके अंदर आप वेब कॉपी या वेब के ऊपर मैंने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है वो आपको पता होनी चाहिए, वो सीखें। उसके बाद आप गूगल एड्स या PPC, इसको कहते हैं, आप गूगल एड्स सीखें कम्प्लीटली, जितनी भी हैं। सबसे ज़्यादा जो चलता है वो सर्च कैंपेन्स वाला चलता है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिपोर्टिंग के लिए दो तीन टूल्स हैं, फ्री हैं ये। उसके बाद फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपकी जितने भी सोशल मीडिया हैं उनकी
मार्केटिंग। फिर उसके बाद आप बेसिक सी ईमेल मार्केटिंग भी सीख लें, आपको पता होना चाहिए कि ईमेल कैंपेन किस तरीके से की जाती हैं और उनका प्रोसीजर क्या होता है। मोस्टली ये जितने भी चीज़ें होती हैं वो टूल्स के थ्रू की जा सकती हैं, बट आपको नोहा होगी तो आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। और इसके बाद ये मेजर चीज़ें हैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है, सही है। और फिर AI, क्योंकि AI के साथ हमने रहना है तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ों के अंदर मास्टर हो जाएं, आप डिजिटल मार्केट इन सब का पता हो आपको और किसी एक चीज़ के अंदर, जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ SEO सीखते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ गूगल ऐड सीखते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक ऐड सीखते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के अंदर सिर्फ लिंक्डइन ऐड सीखते हैं और उसके अंदर वो एक्सेल करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, या उनके अपने बिजनेस हैं, या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या फिर इवन किसी कंपनी में काम करें तो अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर लीड्स हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक नॉलेज सही पता हो और उसके बाद फिर आप किसी एक चीज़ में मास्टर करना, और साथ साथ मास्टर कर लें किसी भी एक चीज़ में, चाहे वो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या फिर SEO, जो भी आपके लिए ईजी हो। क्योंकि अगर आप किसी से भी रोड मैप पूछेंगे ना, शायद उसके लिए, लेट्स से अगर मुझसे पूछें तो शायद मेरे लिए ये काम कर गया, ठीक है, और आपके लिए शायद ना कर पाए क्योंकि आपकी लर्निंग का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो आपने एक अच्छा सा रोड मैप खुद के लिए बनाना है कि यार पहले मैंने क्या क्या सीखना है, बट ये बेसिक सा रोड मैप मैंने खुद क्रिएट किया है जो कि स्टैंडर्ड मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, गूगल ऐड इनफ है, इसको मास्टर कर लूँ? अच्छा, जिन्होंने ये मैसेज किया था उनका कंप्लीट मैसेज ये था कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं, तो क्या वो सिर्फ गूगल ऐड इनफ सीख लें, तो क्या ये इनफ है? बिल्कुल, अगर आप गूगल ऐड सीख लें और उसके अंदर मास्टर कर लें तो बिल्कुल ये इनफ होता है। ये एक प्रॉपर स्किल है, ये एक प्रॉपर इसके ऊपर लोग अपना करियर और इसके ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, सिर्फ एक सर्विस पॉइंट करते हैं और इनके मिलियन डॉलर्स के बिजनेसेस हैं। तो यस, गूगल एड्स इनफ है, इसको आप अगर मास्टर कर लेते हो तो बिल्कुल यू कैन एक्सेल इन फ्रीलांसिंग करियर और प्रोफेशनल करियर और बिजनेस करियर एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैं BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, साथ कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, काइंडली रिप्लाई। अच्छा, जो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए तो बेस्ट स्किल है कि HTML, CSS, PHP ये वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो सीख के आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो कि कोडिंग वाली होती हैं, आप उनमें से कुछ भी सीखें और वो बेस्ट होती हैं। आप अगर आपको कोडिंग आती है तो आप क्या नहीं कर सकते, आप अपने छोटे छोटे टूल बना के उनको भेज सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ, कोडिंग की तरफ आते हैं तो बहुत उसका एक बहुत ही अच्छी डिमांड है। अगर आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। इसी तरीके से किसी भी चीज़ के अंदर कोडिंग इन्वॉल्व होती है तो बिल्कुल उसकी डिमांड तो है। तो आप ये चीज़ें कर लें और इसी की सर्विस आप देना शुरू कर दें। वेल, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सवाल होगा तो मैं शायद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँगा। ये वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बेस्ट स्किल्स टू लर्न फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट स्किल ये है कि वो अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें और अच्छे ग्रेड्स लेकर आएँ और अच्छे से जो भी जिस किस्म का भी जिस पोजिशन पर भी है उसके अंदर एक्सेल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है तो मैट्रिक के अंदर एक्सेल करें, इंटर का अंदर एक्सेल करें। अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन के अंदर आखिरी सेमेस्टर्स, मतलब सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट सेमेस्टर के अंदर जाके आप कोई काम करें, वरना अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी कंट्री के अंदर जा नहीं सकते विदाउट एनी डिग्री, अगर आपने डिग्री की है तो उसकी वेरीफिकेशन होती है प्रॉपर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिग्री की वैल्यू नहीं होती, डिग्री की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप कहीं जॉब करने जाएंगे या फिर किसी अच्छी किसी बड़ी पोजीशन पे अप्लाई करेंगे, तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर फोकस करें। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर स्टूडेंट्स फोकस करें। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं तो इवेंट्स करवाएँ, डिबेट कॉम्पिटिशन करवाएँ और डिफरेंट जो भी आपके माइंड में आता है, जिसको भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उस तरह के इवेंट्स करवाएँ। और इसके अलावा स्पोर्ट्स खेलें, बेताशा स्पोर्ट्स खेलें, टीम वर्क सीखें, कम्युनिकेशन सीखें। कम्युनिकेशन जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है, टीम वर्क जब करते हैं तो आपको इन फ्यूचर हेल्प आउट होती है। तो इस तरीके के ये जो छोटे मोटे इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं या फिर जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करें स्टूडेंट्स, और पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन वन फील्ड। वेल,
ये बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम एक चीज़ के ऊपर कैसे टिके, उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें। तो ये वाला जो है ना कंफ्यूजन हर किसी को आता है। देयर वाज अ फेज जिसके अंदर मैं खुद बहुत परेशान होता था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बेतहाशा चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता या मैं हर चीज़ के अंदर टॉप लेवल पे तो नहीं जा सकता। सो आई विल हैव टू चूज़ वन थिंग। जब मैं एक चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू करता था तो कोई एक वीडियो देख ली तो फिर उसके ऊपर लग जाता था, फिर किसी और की वीडियो देख ली फिर उसके ऊपर लग जाता था। तो ये बड़ा जो है ना कंफ्यूजिंग सा एक मरहला होता है ज़िंदगी का, एंड इट पासिस अवे। अच्छा, कंसिस्टेंट कैसे रहना है? सबसे पहले तो आप जो भी प्रोफेशनली सर्विस दे रहे हैं आप उसी स्किल की दें जिसके ऊपर आपने सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने SEO सीखा है तो आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मुझे वेबसाइट बना के दो वर्डप्रेस के ऊपर, हालांकि आपको पता है आती है वेबसाइट कैसे बनाते हैं, फिर भी आप कहें कि नहीं ये मेरा स्किल नहीं है, आई कैन गेट इट डन फ्रॉम माई नेटवर्क, मतलब मैं अपने दोस्तों से आपको करवा के दे सकता हूँ, मैं खुद नहीं करूँगा। और फिर आप उनसे कोट लेके आप उनको दे दें और फिर वो उसका काम करवा दें क्लाइंट का। बट अपना फोकस आप अपना SEO के ऊपर ही रखें। तो जब आप ये एक दो इस तरीके से करेंगे तो आपको एक आदत सी बन जाएगी कि यार मैंने उस चीज़ के ऊपर काम करना है जो मेरा स्किल है, मैंने हर चीज़ की सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी। अगर आपको लेट्स अगर आपने गूगल एड्स के अंदर फिट सीख लिया और आपने गूगल एड्स की सर्विस देना शुरू कर दी, आपके पास कोई आता है कहता है कि यार मुझे फेसबुक एड रन करवाने, तो आप कहें कि मैं गूगल एड्स के अंदर एक्सपर्ट हूँ और आपके लिए आपके बिजनेस के लिए गूगल एड्स किस तरीके से काम कर सकते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। फेसबुक एड्स मैं खुद तो नहीं रन करता बट आई कैन गेट इट डन फ्रॉम माई सोशल नेटवर्क, तो उसके उस क्लाइंट के लिए भी आप करवा सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि अपने स्किल के साथ स्टिक रहें, कोई आपको किस तरह का भी प्रोजेक्ट दे आप उनको प्रोफेशनली मना कर दें या फिर उनको किसी और से काम करवा के दे दें। दूसरा ये कि आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो कौन है? क्या आप अगर आप गूगल एड्स सीख रहे हैं तो अगर आप गूगल एड्स आते हैं और आपने SEO को वालों को फॉलो किया हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को फॉलो किया हुआ है और इस तरीके के अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर्स को फॉलो किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज होते रहेंगे उनकी वीडियोस या उनका कंटेंट देख के। तो जिन लोगों का फॉलो कर रहे हैं वो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है? तो फिर उसी फील्ड के अंदर आप कंसिस्टेंट रहते हो, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप एक लिस्ट बना लो कि यार ये वाले ब्लॉग्स हैं जिनको मैंने कंटिन्यूसली पढ़ना है, उनके ऊपर नई अपडेट आती है तो मैंने उनको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप SEO सीख रहे हो या SEO की फील्ड में हो तो देर आर फ्यू SEO ब्लॉग, जैसे नैथन गोज का है गोज SEO, या फिर सैमराज का ब्लॉग है, या फिर एचरफ्स का ब्लॉग है, या फिर सर्च इंजन जर्नल है। तो इस तरीके के SEO के ब्लॉग्स जितने भी हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। उनके लिए जो नए ब्लॉग्स आएंगे उनके लिए आप वेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक ही चीज़ के अंदर कंसिस्टेंट रहेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक और तरीका ये है कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर, लेट्स से आप लिंक्डइन, फेसबुक, इसके अलावा टिकटॉक या फिर कोई और ट्विटर, उसके ऊपर जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए तो भी आप कंसिस्टेंट रहेंगे। वरना अगर आज आप टेक के बारे में लिख रहे हैं, कल को आप गार्डनिंग अच्छा लगा आप गार्डनिंग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली जो आपका मेन फोकस था टेक उससे आप हट जाएंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से भी एक कंसिस्टेंट रह सकते हैं हम। लास्टली, जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर वो चीज़ें करें जो जिसकी आपको आदत बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एड्स रन करता हूँ या फिर SEO करता हूँ तो मेरे लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मैंने वो डेली करनी है चाहे उनका काम हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने एड रन किया और आज मैं सुबह गया अपने ऑफिस तो फिर मैंने ऐड को लाजमी देखना है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने ऐड रन कर दिया थे, एक हफ्ता तो ऐड समझने में लगाएगा एल्गोरिथम तो उसको छोड़ देते, नहीं। मैं सुबह गया, मैंने ऐड को लाजमी देखा, ओवरव्यू किया हर चीज़, कोई गलती वगैरह तो नहीं है, नहीं थिंग लाइक दैट। तो फिर उसके ऊपर मैंने आधा घंटा लगाया तो फिर मैं उसके अंदर कंसिस्टेंट रहूँगा। मैं किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाऊंगा कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ। अगर जैसे मैं SEO कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली SEO के अंदर गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल को मैं देखूँ तो कौन सी चीज़ें सर्च हो रही हैं, या फिर मेरा जो ब्लॉग है या पेज है वो इंडेक्स हो गया है नहीं हुआ, उसके स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी स्किल है उसके अंदर जो चीज़ें छोटी मोटी वो आदतें आप बनाएंगे तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जो सुनने वाले हैं आपको लगता है कि इसका कोई और जवाब हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि
इनकी हेल्प हो सके और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रोड मैप टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, देयर इज नो सच रोड मैप। आपको सिर्फ एक डिश सेलेक्ट करनी है और उसके बाद डोमेन होस्टिंग लेनी है और अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराना है और उसके बाद आपने ब्लॉग लिखना शुरू कर देने, उसकी छोटी मोटी SEO आपने करनी है और उसके बाद फिर आपने लिखना शुरू करना और ब्लॉगिंग करना शुरू कर देनी है। ये एक प्लेलिस्ट है जो कि मैंने कुछ अर्सा पहले बनाई थी, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फ्रॉम स्क्रैच एज अ बिगिनर। इसके अंदर काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप इसके ऊपर आप जाके देखें एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर ब्लॉग। जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा था रोड मैप टू SEO। रोड मैप टू SEO के अंदर सिंपली आप कर सकते हैं कि सबसे पहले आप लिखें, सीखें कि कंटेंट किस तरीके से काम करता है, उसके बाद आप सीखें कि गूगल सर्च या कोई भी सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। जब आपको ये पता चल जाएगा फिर आप कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे और उसके बाद फिर आप कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, ऑन पेज SEO सीखेंगे, टेक्निकल SEO, फिर लोकल SEO और फिर ऑफ पेज SEO। इसके अलावा मैंने एक लिस्ट बनाई हुई टूल्स की, उसके अंदर अगर आप जाएँ और यहाँ पर लर्न SEO के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है learningseo.io। इसने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आपने रोड मैप को लेके चलना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं SEO के अंदर इन डिटेल्स। दैट इज़ द बेस्ट रोड मैप यू कैन एवर हैव टू लर्न SEO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फेसबुक एड्स। मेरा फेसबुक एड्स अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, लास्ट ईयर हुआ था, मेरी फेसबुक आईडी हुई थी तो उस टाइम किसी ने एड्स रन किए थे मेरी आईडी से। अच्छा, अगर सिर्फ आपके एड्स की वजह से आपकी आईडी बैन हो रही है या डीएक्टिवेट हो रही है या ब्लॉक हो रही है तो डिपेंड करता है कि उसके इशू क्या है। अगर वो बिलिंग इशू है तो आप अगर आप बिल क्लियर करते हैं तो आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। ये रिसेंटली मेरे एक और किसी और के साथ भी हुआ था, मैंने उनको बताया था, फिर उन्होंने जैसे ही बिल क्लियर किया तो उनकी आईडी वापस आ गई। दूसरा, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है फेसबुक आपके अकाउंट के ऊपर जो कि फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट है तो फिर उसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि आपने विद इन 24 to 48 वर्किंग आवर्स के अंदर आपने फेसबुक को अपील करनी होती है आपके अकाउंट के लिए। तो मोस्टली चांसेस के अंदर ये होता है कि अगर आप 48 आवर्स के अंदर अपील करते हो तो आपकी आईडी वापस आ जाती है। बट अगर आपकी आईडी परमानेंटली बैन हो गई है या परमानेंटली ब्लॉक हो गई है, डीएक्टिवेट हो गई है, तो उसको वापस नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी यही है कि भाई अगर आपको आईडी चाहिए वापस तो विद इन 24 to 48 वर्किंग आवर्स के अंदर आप अपना जो है आईडी वगैरह अपलोड करें और आपको या तो आईडी मिल जाएगी या फिर आपको कोई भी कंसर्न लगा के आपकी आईडी परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देंगे। तीसरा, आप जब भी ऐड रन करें तो आप देख के करें कि कौन से ऐसे ऐड्स हैं जो कि फेसबुक अलाउ करता है, कौन से ऐसे ऐड्स हैं जो कि फेसबुक अलाउ नहीं करता। दे आर सो मेनी टर्म्स जो कि आप फेसबुक ऐड्स के अंदर ऐड्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल गारंटीड रिटर्न्स, ठीक है, ये आप जो है अगर लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो आईडी है आईडी या तो ऐड नहीं चलेगा या आईडी बैन हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर आप कहते हो कि हाउ टू अर्न मनी इन डॉलर्स, अर्न इन डॉलर्स या समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा फिर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड्स के ऊपर जब भी आप लगाते हैं तो आप डायरेक्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ये नहीं कह सकते कि 100% गारंटीड रिजल्ट्स या इस तरीके से, वो भी आप नहीं कर सकते, वो भी फेसबुक एड्स के अंदर मना है। बट डिफरेंट तरीके होते हैं उनको कैटर करने के लिए, स्मोकिंग एड्स नहीं लगा सकते। इसके अलावा बाकी जितने भी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई मेडिसिन वगैरह है उससे रिलेटेड भी आप एड्स डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो उसको उसके एड्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से लगाए जाते हैं, डिफरेंट उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। लोग हायर करते हैं किसी इन्फ्लुएंसर को, फिर वो आके वीडियो बनाते हैं और समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से डायरेक्टली कोई भी इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका जो ऐड अकाउंट है या तो वो ब्लॉक हो सकता है या फिर वो अप्रूव नहीं होगा ऐड। तो किसी को भी अपनी आईडी ना दें एक तो, और दूसरा ये कि अगर आपकी आईडी परमानेंटली डीएक्टिवेट हो गई है तो वो वापस नहीं आ सकती। और तीसरा, अगर जब भी इन फ्यूचर कोई और आईडी किसी की भी बैन होती है या ब्लॉक होती है तो विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने अपील करनी होती है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपको आईडी वापस मिल जाती है। अच्छा, फनी स्टोरी, मेरी अपनी आईडी थी, आई क्रिएटेड फेसबुक अकाउंट इन 2007 या 2008 जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरी आईडी 2020 के अंदर या 2021 के अंदर वो ब्लॉक हो गई,
ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक ऐड सीख रहे हैं तो आपकी एक दफ़ा आईडी ब्लॉक हो जाती है तो नो वरीज। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स ऐसे हैं जिनकी 90% मैं कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटर्स ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी आईडीज ब्लॉक की हैं इन वन वे और दी अदर। सो डोंट वरी अबाउट दैट और कीप वर्किंग, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे ज़्यादा सारा फोकस किया करें कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं और किस तरीके का ऐड रन कर रहे हैं, और अपनी आईडी पर्सनल होती है, आप अपने पास रखें, किसी और को ना दें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज माई पेज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेलिंग सेंटेंट कैंडल्स, आई लर्न लिटिल डिजिटल मार्केटिंग में, नाउ ट्राई टू स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन, एनी सजेशंस। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान के अंदर है और अगर आप ये कैंडल्स बना रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका सिंपल बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप जाएँ दराज के ऊपर और दराज के ऊपर आप सेलर अकाउंट बनाएं और वहाँ पर सेल करना शुरू करें। दराज के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आपका टाइटल और आपकी जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है और आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं और आपकी प्रोडक्ट की वीडियो है, आप ये करें। और उसके बाद फिर दूसरे तरीके से दूसरा आप ये स्टेप लें कि आप जितने भी सोशल मीडिया पे आपने पेजेस बनाए हैं उसको आप अपडेट करें और अपनी प्रोडक्ट की रील्स, शॉर्ट्स या पोस्ट बनाना शुरू करें। आप डेली बेसिस के ऊपर एक पोस्ट लाजमी करें, देखें कि उस प्रोडक्ट का जो ऑडियंस है वो किस टाइम ऑनलाइन है। सेंटेंट जो आपके कैंडल्स हैं उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो शाम के टाइम पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ऑनलाइन है, तो आप शाम के टाइम अराउंड 5 से लेकर 8 बजे के दरमियान किसी भी टाइम को अच्छा टाइम देखें, उसी के अंदर आप पोस्टिंग करना शुरू करें। तीसरा, लोगों को बताना शुरू करें कि आपने सेंटेंट कैंडल्स का बिजनेस शुरू किया। लोग कौन? आपकी फ्रेंड लिस्ट। आपकी फ्रेंड लिस्ट अगर 500 लोगों की है तो अगर आपके 500 लोगों को तक ये बात पहुंच जाती है तो रिमेंबर, फ्रेंड्स ऑफ अ फ्रेंड्स ऑफ अ फ्रेंड, मतलब दोस्तों के दोस्त उनके दोस्त उनके दोस्त तक वो बात पहुंच सकती है जस्ट पोस्टिंग ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। उसके बाद जब आप ये कर लें, इसको आप 1 महीने का टाइम दें और इसको आप ऑर्गेनिकली लेकर चलें। 1 महीने के अंदर अंदर आप बहुत सारे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे जो कि आपके लिए मैनेजेबल होंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि मुझे स्केल करना है तो फिर आप एड्स की तरफ जाएं जो कि पेड एड्स होते हैं। अच्छा, पेड एड्स डिफरेंट होते हैं, फेसबुक एड्स भी हो सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स हो सकते हैं, गूगल एड्स हो सकते हैं या फिर टिकटॉक एड्स भी हो सकते हैं। आपने रियलाइज़ करना है, आपने रिसर्च करनी है कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है। फॉर एग्जांपल, जो क्विकली मेरे दिमाग में आ रहा है कि सेंटेंट कैंडल्स का जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या पता रात को टिकटॉक भी देखता हो, क्या पता वो इंस्टाग्राम के ऊपर हो, और क्या पता वो सारा दिन फेसबुक यूज़ करता हो। ठीक है, लिंक्डइन बहुत एक्सपेंसिव, वो तो प्रोफेशनल्स के लिए। इसके अलावा टिकटॉक, यूट्यूब भी, इवन गूगल। गूगल के अंदर फिर ये होता है कि गूगल के अंदर मोस्टली वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि महंगी वाली हों, तो गूगल एड्स उनके लिए फिट होता है। आपकी प्रोडक्ट छोटी है तो आप सिंपली अवेयरनेस कैंपेन्स और उसके साथ साथ शॉपिंग कैंपेन्स सोशल मीडिया के ऊपर रन करेंगे और अपनी जो भी आपने ऑर्डर रिसीव करने हैं और उसको मैनेज करेंगे। अगेन, इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपने अपने दोस्तों तक बात पहुँचानी है कि भाई मैंने ये सेंटेंट कैंडल्स का बिजनेस शुरू किया है और अगर आपको चाहिए तो मुझे बताएं, और कुछ दोस्तों को आप कहें कि नहीं आप लो, तुम तो लो ना, अबे तुम तो लो ना, बाकी मैं देख लूँगा। अगर मेरे पास कोई बिजनेस, अगर मैं प्रोडक्ट का कोई बिजनेस करता हूँ तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, उनको तो मैं लाजमी दिलवाऊँगा और उनको कहूँगा कि प्राइस 1 रुपये है, तुम 2 रुपये दो। मतलब अगर 100 रुपये तुम 200 दो, 1000 रुपये तुम 2000 दो। अबे तो दोस्त किस चीज़ के हो, सपोर्ट तो करो इनिशियल स्टेज के ऊपर, जब हो जाएगा तो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से थिंग्स वर्क लाइक दैट। तो फिर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इसी तरीके से आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर चलें, सबसे पहले ऑर्गेनिकली, उसके बाद पेड, और साथ साथ जब आपके पास बजट आ जाए तो आपने वेबसाइट बनानी है, अच्छी वाली, नॉर्मल वाली, ठीक है। और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी होते हैं, बट अच्छी वाली अगर अपनी डोमेन लेके बनाएंगे तो बेहतर है, और क्योंकि उसकी इन फ्यूचर SEO भी हो सकती है, फिर आप गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक भी हो सकती है पॉसिबली। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड आई एम रियली ग्लैड, और आप अगर सुन रही हैं ये वीडियो आप या सुन रहे हैं, जिसने भी सवाल पूछा था, अपने बिजनेस का जो भी पेज है वो लिंक कमेंट करें, एंड आई विल श्योरली विजिट इट एंड आई विल ट्राई टू ऑर्डर माई सेल्फ एज वेल। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या कोई और, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कॉमेंट्स या फिर रीच आउट करके मुझे मैसेज कर लें एंड आई विल रिप्लाई यू इन डिटेल्स। Do subscribe to my YouTube channel and share to with your friends so that maximum log iska fayda utha sake, aur see you in the next Q&A ya next Ask Imran episode.
थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।